पावर फ्लो स्टडी को नॉर्मली हम लोड फ्लो स्टडी भी कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पावर सिस्टम एनालिसिस का, और दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग, इकोनॉमिक स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोल ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, एज वेल एज प्लानिंग फॉर इट्स फ्यूचर एक्सटेंशंस या एक्सपेंशन। तो इन दोनों सूरतों में आपको मैंने लास्ट टाइम भी ब्रीफ किया था कि लेट्स सपोज मैं छोटा सा एक इसमें हम डमी सा एग्जांपल, इसमें ये आपका है, लेट्स सपोज ऊपर वाले फिगर में ये आपका एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है, और इसके साथ आप एक और लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे एक और बस अटैच करते हैं जो आपकी जनरेशन बस, जिस पे जनरेटर आपने कनेक्ट किया और इस पे लोड भी कनेक्टेड। अब ये फ्यूचर एक्सपेंशन है लेट्स सपोज। तो अब आप जब स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली देखें ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ये आपके पास जो है ट्रांसमिशन लाइंस रहती हैं। अब जब आप ये जनरेटर यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए प्रपोज करेंगे तो अब आप इस सिस्टम का पावर फ्लो एनालिसिस करेंगे। पावर फ्लो एनालिसिस में तो बेसिक इसका जो एम होता है कि हर बस पे वोल्ट और उसका एंगल ये फाइंड करें हर बस पे। नंबर टू, लाइन पे जो है वो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर फ्लो फाइंड करें, और इसके साथ जो आपके पास लॉसेज हैं वो भी आप फाइंड करें यहाँ। ये बेसिक आपका थीम होता है पावर फ्लो एनालिसिस में, आपने ये काम करने। तो अब आप देखें कि लेट्स सपोज ये बस है यहाँ पे, और आइडियली आइडियली आपके पास वन एंगल ज़ीरो, यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है 1 PU और एंगल उसका ज़ीरो होना चाहिए। 500 KV की बस है, 230 KV की बस है, जो भी है, लेकिन उसको हम PU में कन्वर्ट करेंगे जब, तो वो आपके पास जो है वो बताएगा कि ये 1 PU आना चाहिए। लेट्स सपोज आप ये जनरेटर इंस्टॉल करते हैं और इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे वोल्टेज 1.15 PU हो जाता है। तो देन यू ऑब्जर्व दैट वोल्टेज एट द बस नंबर टू हैज वायलेटेड इट्स लिमिट। लेट्स सपोज लिमिट इज 1.01 और मिनिमम साइड पे 0.9 है, 0.98 करने चले, ये एक लिमिट आपने सेट की। अब जब इसके अलावा जब इस लिमिट को वायलेट करेंगे आप, जी जनरेटर इंस्टॉल किया आपने तो इसके पास ये आपके पास आपने लोड फ्लो एनालिसिस किया तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आई, तो इसी स्टेज आप इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू कैन रेक्टिफाई दिस, कि आप क्या चीज़ यहाँ पे रिएक्टर इंस्टॉल करें, रिएक्टर लगाएं, क्या करें कि वोल्टेज बूस्ट ना हो, जो आपकी लिमिट है उससे वायलेशन ना हो। नंबर टू, कि आपका लोड है यहाँ पे, ये आपके पास ये लोड लगा हुआ है 300 MW का लोड लगा हुआ है एक्टिव पावर। देखते हैं यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन होती है, लेट्स सपोज लोड आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 0.97 पे चला गया, तो देन अगेन इट हैज वायलेटेड इट्स लिमिट्स, सो व्हाट विल बी द रेमेडी ऑफ दिस। ये आपको बात की चीजें हैं कि रेमेडी क्या होगी। पहले आपने ये कंफर्मेशन करनी होती है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो अपनी रेंज में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा, आप यहाँ पे देखते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे इस लाइन 180 मैक्सिमम पावर जो है वो फ्लो कर सकती है, 180 MW, और इस 300 MW को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे पावर फ्लो करती है लेट्स सपोज 120। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन है, आप कहते हैं ये भी अपनी रेंज में है ये भी। अब इफ़ यू इंक्रीज द लोड बाय 100 MW एंड यू ऑब्जर्व इस पे जो है वो लोड जो है वो वन लेट्स सपोज 50 हो गया है, और ऑन दिस लाइन इट हैज इंक्रीज टू 250 MW। अब आपको पता है कि ये हमारा लिमिट्स, लेट्स सपोज ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है 180, 200 हमने लिमिट सेट की हुई है मैक्सिमम इस पर लाइन पे पावर फ्लो कर, तो अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई। ये हम लोड फ्लो से ये चीज़ें फाइंड करते हैं कि हमारे पास बेसिक थीम ये है कि हर बस पे वोल्टेज और उसका एंगल फाइंड करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम पावर फ्लोज फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक थीम होता है
वोल्ट इसका लोड फ्लो पावर फ्लो एनालिसिस या लोड फ्लो एनालिसिस का, कि हम हर बस पे जो है वो उसका वोल्टेज और उसका फेज एंगल फाइंड करें और हर ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्लो जो है वो फाइंड करें। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है कि वी विल फाइंड बस वोल्टेजेस। अब वोल्टेज का जिक्र करते हैं तो वोल्टेज ही आ गई फेजर में, उसमें इंक्लूड हो गया मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों। नाउ इन सॉल्विंग ए पावर फ्लो प्रॉब्लम वी अज्यूम दैट सिस्टम इज ऑपरेटिंग अंडर बैलेंस कंडीशंस और वी विल यूज द सिंगल फेज मॉडल, के जो पर फेज मॉडल है जैसे अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं ये मॉडल हमने यूज़ की। ये दूसरा फिगर जो है इसमें मैंने सिर्फ एक ही कोई बस बताई है आपको जिस पे आपके पास वी आई बस है, ये कोई और बस है वी वन बस है, ये वी टू और कोई भी एनथ बस इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये सब स्क्रिप्ट कैसे जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे वाई आई वन जो है दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज द लाइन एडमिटेंसेज। तो ये चीज़ कन्फर्म करें कि आपके पास अभी अगर इम्पिडेंसेज दी होंगी तो आपने फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट सिस्टम इनटू लाइन एडमिटेंसेस। सो सबसे पहले हमारे पास ये देखना क्या है हमने कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। वी हैव फोर क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद ईच बस, दैट इज वोल्टेज मैग्नीट्यूड, वोल्टेज एंगल, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर या रियल पावर बोथ आर सेम। तो ये चार क्वांटिटीज हर बस के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, और द सिस्टम बस, इसके बाद अब बस जो है वो हमारे पास ये बस है। अब होता क्या है बेसिकली कि हम देखेंगे कि नॉर्मली हम बसेस की डेफिनेशंस करेंगे कि बसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मली अगर आप गौर से देखें तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम क्वांटिटीज आर प्रोवाइडेड। फॉर एग्जांपल इफ वी सी दैट दिस इज बस नंबर टू, फोर वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, वोल्टेज, एंगल, पी एंड क्यू। We know the P, we know the Q. So, we know PQ, you are left with voltage and its phase. अगर आप यहाँ बस नंबर थ्री को देखें, here we have identified voltage magnitude and T. Okay? And also we are given the limits on the reactive power. इसको अभी आप छोड़ दें. So, two quantities are mentioned over here, P and V magnitude. So we are left with two variables that are angle and reactive power. If you see bus number one, we are given voltage magnitude and voltage angle. So we are left with P and Q. Clear होगी बात ये? ये आपके पास bus के quantities होती हैं। इन्हीं की basis पे कि कहीं पे क्या क्या चीज known है उसकी बेस पे हम बसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी टाइप की बस है। नंबर वन इज ए स्लैक बस और स्विंग बस। ये बस इसमें जैसे यहाँ पे वी नॉर्मली कंसीडर बस नंबर वन एज ए स्लैक बस और ए स्विंग बस। इसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है और फेज एंगल भी गिवन होता है। और ये बस आपको पता है स्लैक बस और स्विंग बस, ये वर्ड यूज होता है नॉर्मली सिस्टम में उस पार्ट के लिए जो सारे एरर्स को एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रखता हो, कि जितनी रिएक्टिव पावर यहाँ से चाहिए हो ये एक्टिव पावर प्रोवाइड कर सकता है, जितनी एक्टिव पावर एब्जॉर्व करनी पड़ जाए सिस्टम में एक्सेस जनरेशन हो रही है तो स्लैक बस कैन एब्जॉर्व दैट एक्सेस एक्टिव पावर। सो पी बस नंबर वन इज ऑलवेज डिजिग्नेटेड एज ए स्विंग बस और स्लैक बस। ठीक है, नंबर टू इज लोड बस। लोड बसेज आर दोज बसेज in which active power and reactive power are defined. Active power and reactive power. In our example, we see that at bus number 2, active power is defined and reactive power is both are defined. Okay? As compared to the bus number 3, we see that only active power is defined. So at bus number 2, we call it a load bus. So we are left with voltage magnitude and phase angle that are unknown on this bus. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे सीखना, क्योंकि जब हम आगे इक्वेशंस लिखेंगे तो किसी भी बस पे हम दो इक्वेशंस लिख सकेंगे, ओनली टू इक्वेशंस। और अगर आपकी एक बस पे चार वेरिएबल्स अननोन हो
So it is not possible to solve them with two equations. So we will match the number of equations and number of unknown so that we can solve easily, जो basic इसका rule है. इसके बाद आ जाता है regulated buses or voltage control buses, इनको हम PV buses भी कहते हैं. ये bus number 2 जो है ये आपके पास PV bus है, sorry PQ bus है, और ये bus number 1 जो है ये आपके पास slack bus होगी. अब आते हैं PV bus की तरफ. बस नंबर 3 जो है वो आपके पास पीवी बस है. ये किस बात पे डिसाइड हुए? ये वो बस होती है जो स्लेक बस के अलावा जिस बस पे जनरेटर लगा हो, दैट विल बी ए पीवी बस. हियर द वोल्टेज मैग्नीट्यूड, क्योंकि जनरेटर जहां पे भी होता है आपके पास, यू कैन फाइंड, यू नो द वोल्टेज के जनरेशन वोल्टेज क्या है और जनरेशन की पावर इनपुट इसके लिए क्या है. सो एट दिस स्टेज यू आर नोन विद द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड the active power that is inflowing into the circuit. ठीक है, तो इस बस पे आपके पास एक्टिव पावर नोन होती है और आपके पास वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नोन होता है. ठीक है, तो बोथ दीज पैरामीटर आर नोन, वाइल द वोल्टेज फेज एंड द रिएक्टिव पावर, ये जो आपके पास है ये आपके पास अननोन होती है इन बसेस पे, जिन इनको हम कहते हैं पीवी बसेस. और दूसरा नाम इसको जनरेटर बसेस भी हैं, और इसको जो है वो वोल्टेज कंट्रोल बसेस भी कहते हैं. ये वो बसेस होती हैं जिन पे जनरेटर कनेक्टेड होता है अदर देन द बस स्लैक बस. ठीक है, तो अब आप फिगर को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको बात क्लियर होनी चाहिए. देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको स्लैक बस जो है वो आइडेंटिफाई कर देंगे कि बस नंबर 1 इज ए स्लैक बस. फिर तरतीब से चलते हैं, बस नंबर 2 पे आते हैं. ये अब एरो की डायरेक्शन देखें, इट इज अवे फ्रॉम द बस. ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स द लोड. ये इंडिकेट का इंडिकेट करता है पी और क्यू ऑफ द लोड. ठीक है, तो वी विल कॉल इट पी क्यू बस. नाम से भी है पी और क्यू नॉन होते हैं. एंड बस नंबर 3 वी देखें आप और से अगर, तो इसका एरो जो है दैट इज टुवर्ड्स द बस इनफ्लो जो है वो इंडिकेट करता है. दैट इज द पावर बीइंग इंजेक्टेड, एक्टिव पावर बीइंग इंजेक्टेड बाय द जनरेटर एट दिस बस विद नॉन वोल्टेज मैग्नीट्यूड. ये अभी जीरो जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी आप छोड़ दें. जस्ट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास नॉन होता है. सो इसीलिए हम इसको कहते हैं पी, और इस वी की वजह से इसको हम कहते हैं पीवी बस. ये आपके पास 3 बसेज हैं. जो पीवी बस होती है इस पे रिएक्टिव पावर की लिमिट भी गिवन होती है. क्योंकि अब देखें, अब जो नॉन है वो तो हो गए नॉन, यहां पे हम आके पी और क्यू फाइंड करेंगे. बस नंबर 1 पे बोथ दीज क्वांटिटीज आर अननोन ओवर हियर. एट बस नंबर 2 दैट इज अ पीक्यू बस और लोड बस, वी विल फाइंड अ वोल्टेज एंगल एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड. दिस इज अ वी एंड डेल्टा, डेल्टा लिखते हैं नॉर्मली. ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे. जबकि जो बस नंबर 3 है इस पे हम हमारे पास नॉन हो गया पी और वी मैग्नीट्यूड, एंड वी आर लेफ्ट विद अननोन्स Q and delta angle of this bus. So we have to find the value of the Q, reactive power at this bus and the angle. So जब आप reactive power find करेंगे तो you are provided with a limit on the reactive power. तो इस limit को आपने violate नहीं कर सकते. तो अभी इसका देखेंगे क्या तरीका होता है. जब solution जो है वो आपके पास आता है तो उस वक्त आपके पास हो सकता है कि आप रिएक्टिव पावर फाइंड करें तो दैट वायलेट्स द लिमिट. तो हम उसके साथ क्या काम करेंगे ये अभी हम आगे सीखेंगे. तो ये आपके पास बसेज हैं जो आपने जो है वो जिनको आपने जो है वो वेरिएबल जो है वो फाइंड करने होते हैं. किस किस बस पे कौन कौन सा वेरिएबल जो है वो फाइंड करना है. बेसिक टारगेट आपका यही है. देखें, बस नंबर 1 जो है वो आपके पास नॉन वोल्टेज एंगल और मैग्नीट्यूड है. इसको हम अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे. इसमें हम आखिर में जाके जस्ट पी और क्यू कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद बस नंबर 2. वो इस पे वोल्टेज एंगल और मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इस पे वोल्टेज एंगल और मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वोल्टेज मैग्नीट्यूड. अच्छा, जस्ट फिगर को देखें. अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज, जस्ट फिगर को देखें. यहाँ पे KCL अप्लाई करें इस फिगर पे. ठीक है, ये आपके पास, हमें यहाँ पे एक और चीज भी, ये आपके पास ब्रांच है और ये आपके पास बस है. बस नोड होती है और ब्रांच ब्रांच होती है. ठीक है जी, ये आपके पास ब्रांच नंबर 1, 2 और 3 ब्रांचेज हैं और 3 नोड्स हैं
और थ्री बसेज हमको कहेंगे, ये अपने कंसेप्ट क्लियर करें। जैसी छोटी छोटी बातें अगर कंफ्यूज कर रही हैं तो पूछ के करें। यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाएं, जस्ट हमने लास्ट टाइम भी सीखा, केवीएल आपको बताता है कि सम ऑफ अलजेब्रिक करंट्स एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें इम्पीडेंसेस जो हैं वो पर यूनिट में कन्वर्ट की गई हैं ऑन ए कॉमन बेस। इस पे हम केसीएल जो है वो अप्लाई करते हैं। केसीएल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये बेसिक वो जो आप आपके बेसिक लॉज हैं V इज इक्वल टू आई जेड या I डिवाइडेड बाय V Y, तो इसी से आप लिख सकते हैं किसी भी ब्रांच का करंट जो है डेट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Y। अब यहाँ पे कोई भी आपका एक पॉइंट होगा रेफरेंस, ये जो सारी बसेस यहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वन, ये गिवन है, मैं इस सबको डिलीट करता हूँ एक मिनट। ये अब ये वोल्टेज वी वन लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी वन? वी वन मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई एक रेफरेंस सेलेक्ट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दैट दिस वोल्टेज इज वी वन। दैट मीन्स कि बेसिकली दिस वोल्टेज इज वी वन जीरो। जीरो इंडिकेट्स द रेफरेंस पॉइंट, सिस्टम में सब में रेफरेंस पॉइंट मौजूद होगा, अंडरस्टूड है ये? ठीक है, तो दैट मीन्स वी वन। वी टू मीन्स एंगल बिटवीन द वोल्टेज बिटवीन द बस नंबर टू एंड दैट रेफरेंस, दैट इज एट जीरो पोटेंशियल। क्या अंडरस्टूड कर लें इस चीज को? सो फर्स्ट आपके पास करंट है आई वन, ये प्योरली इंडिकेटेड है, क्योंकि कल मैंने आपसे एक शायद क्वेश्चन भी पूछा था कि आई थ्री की वैल्यू क्या है, तो जिस बस पे एक तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने इस इक्वेशन में डिवेलप की थी, याद है ना आपको ये चीज, लास्ट आई इज इक्वल टू बी वाई, ये हमने डिवेलप किया था लास्ट। तो आई वेक्टर जो है दैट इंक्लूड्स द एक्सटर्नल सोर्स करंट, जैसे यहाँ पे आई आई एंटर हो रहा है, तो आई आई माइनस है तो दूसरी साइड पे बाकी जाएंगे तो सारे प्लस हो जाते जाएंगे। इसकी इम्पीडेंस की वजह से एडमिटेंसेस, ये जो इसका करंट है, ये करंट है लेट सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ आई आई जीरो, ये इसका नाम होगा आई आई जीरो। दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज द करंट फ्रॉम बस नंबर आई टू द रेफरेंस पॉइंट, उस पे जो करंट फ्लो, उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई आई जीरो। तो आई आई जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी आई, ये सारी बस की जो वोल्टेज है एक ही वोल्टेज है वी आई है, तो वी आई माइनस वी जीरो मल्टीप्लाई बाय वाई आई जीरो, तो दैट बिकम्स वी आई जीरो, वी आई मल्टीप्लाई बाय वाई आई जीरो, ये हो जाएगा आपके पास। तो दैट इज दिस टर्म, ये आपकी पहली टर्म होगी। इसी तरह अब वाई आई वन को देखें, वाई आई वन ये करंट है यहाँ पे फ्लो कर रहा है फ्रॉम बस नंबर, नोटेशंस को जरूर ख्याल रखें, मैं बार बार इस चीज की तरफ आपका ध्यान दे रहा हूँ। वाई आई वन दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बस नंबर आई टू बस नंबर वन। ओके, तो बस नंबर आई और वन का करंट, तो इसका करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू वी आई माइनस वी वन मल्टीप्लाई बाय वाई आई, इसको आई और ये आपके पास आ गया वन, वाई आई वन, ये आपके पास जो है वो करंट आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे टर्म, इसी तरह इसने एन बस सिस्टम के लिए लिखा है, तो ये आगे चलते जाएंगे और ये इसको थोड़ा सा जो है वो रीऑर्गेनाइज करते हैं कि हम वोल्टेजेस सबको एक एक जगह पे ले आते हैं। तो फर्स्ट देखें वी आई हर उसमें मौजूद है, इसके साथ सारी इम्पीडेंस जो भी कनेक्टेड होंगी ब्रांचेस विद दिस बस देट आर इंक्लूडेड, सो वी आई जीरो वी आई वन ये सबको, और इसमें वी आई कॉमन ले ली, ठीक है, माइनस साइन के साथ, जिस बस के पास है उस पर पॉजिटिव साइन है, बाकी सब के साथ माइनस। तो ये दूसरी बस को देखें, वी वन जो है वो वाई आई वन के साथ एसोसिएटेड है, वाई आई टू के साथ एसोसिएटेड है वी टू, एंड देन वाई आई एन के साथ एसोसिएटेड है वी वन। दैट इज इक्वेशन 6.223 ऑफ योर बुक। यहाँ तक आपके पास ये केसीएल की इक्वेशन है। अब इसमें दो टाइप्स की टर्म्स हैं, दो टाइप्स की मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, इनको पहले मैं डिलीट कर दूँ। अगर इसमें आपके पास दो टाइप्स की टर्म्स है, एक आपके पास ये टर्म है जिसमें बहुत सारी एडमिटेंसेस सम हो रही है एंड यू आर मल्टीप्लाइड बाय विद सिंगल वेरिएबल वोल्टेज स्टेट वेरिएबल, ऑन द अदर साइड
you have a product of voltage and related impedance, branch impedance, that connects the branch at which we are standing. We are standing on the bus number I. Okay, so YI1, then YI2, then YI3. So that is the product of the admittance multiplied by the voltage. तो इनका पूरे का नेगेटिव सम है, सो माइनस साइन के साथ समेशन है ये, यहां से लेके यहां तक, जबकि यहां पे समेशन है इंपेडेंसेस की और मल्टीप्लाई हो रहा है वी आई के साथ. तो इक्वेशन 6.24 में लिख लिया इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो ज्यादा आपको अच्छी तरह मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट जे इज नॉट इक्वल टू आई. जे इज नॉट इक्वल टू आई कि हम आई आई पे अभी जो है वो बात नहीं कर रहे. ये एक अगर ये लेट्स सपोज ये बस नंबर 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल हमारे पास, लेट्स सपोज 8 बसेज हैं, तो ये दरमियान में कहीं बस नंबर 7 है ये. ओके, तो वी आर टॉकिंग दैट V1, V7, V2, Y17, Y27, Y37, Y47, Y57, that till Y87. तो ये इक्वेशन आप करंट की किसी भी जो है वो बस पे जो है वो आप 6.24 जो है वो लिख सकते हैं. एज यू नो दैट कम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू कॉन्जुगेट ऑफ द करंट. और मैं फिर बताता हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ द करंट ओनली इंडिकेट्स दैट वी आर सॉल्विंग इट फॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. हम जो है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो हम इसका कैलकुलेट करें ये आसानी के लिए. ओके, तो अभी जो है वो हम पी एस इज इक्वल टू दिस, तो वी कैन राइट दैट पी प्लस जे क्यू इज इक्वल टू वी आई स्टेरिक, ये हम लिख सकते हैं. ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 6.25 है. तो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आई. ठीक है, ये आई एथ बस पे दिस आई इंडिकेट्स आप किस बस पे की बात कर रहे हैं, ये वो बस है 1, 2, 3, 4 कोई भी इसकी वो होगा. नाउ यू कैन राइट आई आई इज इक्वल टू पी माइनस जे क्यू. बेसिकली ये क्या आएगा, पहले आई आई स्टेरिक इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू डिवाइडेड बाय वी. ठीक है, तो जब आप दोनों साइड का कंजुगेट लेंगे तो यू आर लेफ्ट विद आई आई ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट हैंड साइड यू नो के आप कंजुगेट के साथ क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय वी कंजुगेट. ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन 6.26 आ गई. अब इस ये आपके पास आई आई है, तो इसकी वैल्यू जो है 6.24 में आप पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइडेड बाई वी आई स्टेरिक, ये आपके पास आ गया. और ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास ये दो जो है वो टर्म्स आ जाएंगी विद समेशन साइन. 6.27 इक्वेशन आपके पास आ गई. ये जो इक्वेशन है ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी थ्रू आउट दिस सेमेस्टर. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, अगली बार में जो करने लगा हूँ उसको आप ध्यान के साथ सुनिएगा. वी कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 7 एज ए टू इक्वेशन. सो ये जो इक्वेशन 6.27 है ये अभी स्लाइड में आपको नजर आ रही होगी 6.27. देखें पी लिखा हुआ है, पी है, मैं इसको जस्ट लिखता हूँ पी माइनस जे क्यू. वी को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ वी, और फिर भी वी, और फिर समेशन और माइनस समेशन के अंदर वाई और वी. ठीक है जी, अब इन चीज़ों में ये दो ये सारे फेजर्स हैं और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं. सो दैट मीन्स कि दे विल हैव ए रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, आर प्लस जे आई. सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट पी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन एंड क्यू इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन. लिख सकता हूँ मैं ये, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर. यस सर. सो एट मैक्सिमम ऑन एनी बस यू कैन राइट ओनली टू इक्वेशंस. अब आपको मेरी बात समझ आई कि जो हमने लास्ट डिस्कस किया था वो क्यों किया था, कि हम बस को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वी हैव फोर वेरिएबल्स अननोन एट एनी बस, पी क्यू वी फेज. ओके, और टू सॉल्व दोज अननोन्स टू नोन्स वी रिक्वायर फोर इक्वेशंस एट एवरी बस. यही बात है कि नहीं? बट
we can write maximum two equations on any bus, just equation 6.27, that is a combination of two equations P and Q. So we should go for a property of a bus that may inform us about the two known variables. उसी की बेस पे हम जो है वो ये बताते हैं कि हमारे पास जो बसेस हैं उनकी टाइप्स जब हम डिफाइन करते हैं, सो वी आर नोन विद टू वेरिएबल्स इन एडवांस, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू वेरिएबल्स अननोन, सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सॉल्व दीज टू वेरिएबल्स यूजिंग दिस इक्वेशन 6.27, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. ये बात समझ आ गई, इसीलिए हमने बसेस को जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि हम जो है किसी भी बस पर जो है वो एंगल जो है वो कोई दो चार में से दो क्वांटिटीज नोन कर लेंगे बाय लुकिंग इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ द बस, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देखते हुए, एंड देन वी विल सॉल्व फॉर अदर टू अननोन वेरिएबल्स दैट आर आइडेंटिफाइड एट दैट बस, वी आई लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड एंड एंगल, और इसी तरह P और Q जो भी वेरिएबल्स होंगे वो हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन है 6.27, जो ये रिलेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द पावर फ्लो प्रॉब्लम दैट रिजल्ट्स इन अ सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक नॉन इक्वेशन विच मस्ट बी सॉल्व बाय आइटरेटिव टेक्निक्स. अब आइटरेटिव टेक्निक्स क्यों कर रहे हैं कि ऑब्वियसली देखें, अभी आप इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जब, तो उसमें आएगा cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, आएगा ना, ऐसी टर्म्स आएंगी ना. ओके यस सर. तो फिर जब ये टर्म्स इसके अंदर आ जाएंगी तो ये इसको जो है वो नॉन लीनियर बना देंगी. सो नॉन लीनियर, अब आपके पास ये देखें, ये अगर ये सिस्टम देखें तो ये इसमें आपके पास हम बस लेक बस को नहीं कैलकुलेशन में शामिल करते होते हैं, टू और थ्री को, तो यू विल हैव फोर इक्वेशंस फॉर लेट्स सपोज पी क्यू बसेज हैं, तो चार इक्वेशंस बनेंगी, तो चार इक्वेशंस को आप नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने बैठें तो बहुत देर लगेगी, बहुत मतलब टीडियस जॉब होगा. नंबर ऑफ तो जब बात 500 और थाउजेंड्स की बात हो तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इनको आइटरेटिव प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे. आइटरेटिव प्रोसीजर में क्या होता है कि हम इनिशियली अपनी स्टेट्स की वैल्यू को एज्यूम करते हैं, फिर हम जो है वो फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं बाय टू यूजिंग टू डिफरेंट मैथड, वन इज बींग यूज इज द गॉस सीडल मैथड एंड नंबर टू इज द न्यूटन रॉफसन मैथड. सो ये बस ये इक्वेशन जो है, अब आपने इस इक्वेशन को अपने जहन में रख लेना है. इसको एक काम करता हूँ मैं, लेट्स सपोज वी हैव अ थ्री बस सिस्टम, लेट्स सपोज अब हमारे बस में आई इज एनी आईथ बस, तो बस नंबर टू पे हैं हम, लेट वी अज्यूम वी आर ऑन द बस नंबर टू, सो वी विल राइट पी टू माइनस जे क्यू टू डिवाइडेड बाय वी टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वी टू समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो टू वन. तो हम इसको समेशन ऐसे नहीं करते, इसको ब्रैकेट में अब हम ये लिखते हैं y 20 प्लस y 21 प्लस y 23. अब आ जाते हैं इस टर्म की तरफ, विद माइनस साइन इट इज द समेशन, सो वी विल राइट y 20 sorry y 21 v1 plus y, अब देखिए y 22 1 के बाद 2 का नंबर, लेकिन इसने ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि j इज नॉट इक्वल टू i, सो y 23 v.
ओके देखेंगे अब कितनी टर्म्स बनेगी, एक आपके पास ये होगी और एक आपके पास दो ये होंगे। अगर आप इसी बस को भी देखें, बस नंबर टू को जो मैंने ऊपर फिगर वैसे रफ सी फिगर बनाई है, इसमें भी देखें एक इसका लिंक होगा ग्राउंड के साथ थ्रू वाई 20, एक लिंक होगा वन के साथ वाई 21 और एक लिंक होगा वाई 23। अब कितने करंट्स इस पे एंटर हो रहे, तीन करंट्स, ठीक है जी। इस पे एक्सटर्नल करंट को छोड़ के इस पे जो है वो तीन करंट्स, तो तीन करंट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, एक ये करंट है, एक ये करंट है और एक इस ब्रांच में करंट, तो इसके तीन तीन टर्म्स बनेगी। सो वी आर लेफ्ट विथ थ्री टर्म्स, एक टर्म ये है आपके पास, दूसरी टर्म आपके पास ये है और तीसरी टर्म जो है वो ये मैंने इसलिए लिखा कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है वो आसानी होगी, ताकि इनसाइड व्यू बाज़ का लोगों को कंपैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ हो तो वो नज़र नहीं आता। तो वी वर डिस्कसिंग दैट इन पावर फ्लो स्टडी इट इज नेसेसरी टू सॉल्व द सेट ऑफ टू नॉन लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 6.2 नोन 27 फॉर टू अननोन्स, कोई भी दो अननोन हो सकते हैं इसमें। और अब ध्यान के साथ चीज़ें देखने वाली हैं, लेट्स सपोज एक हमारा स्टेट वेरिएबल दिस इज वी आई और एक इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, जैसे हाँ ये लिखा भी हुआ है, बल्कि अगली जो इक्वेशन है इसमें लिखा हुआ है 6.28 में, इसी से हमने ये वी आई ये है, इसको इसको जो है हमने सेपरेट किया है यहाँ से, बाकी सारी जो है वो देखें, ये इधर माइनस था तो इधर जाके ये प्लस हो गया विद दिस वन, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया समेशन ऑफ वाई आई जे। सो इसको हमने ये फाइंड किया। सो इन एवरी सॉल्यूशन या इटरेशन आप सॉल्व कर रहे होंगे वी आई को, दैट मींस कि वी आई को जब आप सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ ए फेजर विद ए मैग्नीट्यूड वी आई मैग्नीट्यूड एंड एंगल या फेज कह लें फेज डेल्टा आई, आप इनको कंबाइन सॉल्व करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि आप इसको यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और जहाँ पे वी आई मैग्नीट्यूड नॉन है उसको छोड़ दें और थीटा आई को जो है वो आप इसको अडॉप्ट कर लें और इसको सॉल्व करें, इन दोनों को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। सो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास बार बार मैं रिपीट करूँगा इन चीज़ों को, पी क्यू बस, स्लैक बस की कोई कैलकुलेशन शामिल नहीं होगी, यू विल स्टार्ट विद बस नंबर टू, पी क्यू बस पे हम वी आई मैग्नीट्यूड और उसका फेज जो है वो फाइंड करेंगे। पी वी बस वी आर नॉन विद द मैग्नीट्यूड सो वी विल फाइंड क्यू आई एंड इट्स एंगल। अब एंगल जो है वो सेपरेटली आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, सो ऑलवेज यू हैव टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन फॉर वी आई ए फेजर, उसमें हम लास्ट में जाके देखेंगे कि हम उसको कैसे जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। तो फॉर टू अननोन वेरिएबल्स जो है वो गॉस सीडल मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये बेसिक जो है वो फार्मूला जो है वो थ्रू आउट यही रहेगा अभी आपके गॉस सीडल में, आगे भी ऐसे ही यूज़ होगा लेकिन गॉस सीडल में यही यूज़ होगा। और नॉर्मली जब हम वोल्टेज फाइंड कर रहे होंगे तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला जो अभी हमने इसी 6.27 से जो है वो डिराइव किया है, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो समेशन ऑफ वाई आई जे, अब क्या होता है कि आपने वाई बस बनाई थी, वाई बस में ये जो पहला एलिमेंट आपने लिखा था इसको क्या लिखा था, वाई वन वन, दैट मीन्स वाई वन जीरो वाई प्लस वाई वन टू प्लस वाई वन थ्री प्लस वाई सो वन, जो जितनी बस नंबर वन, बस नंबर जो वन के साथ कनेक्टेड हैं वो ये वाई आई जीरो। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस वाई आई जे और इसकी समेशन दैट विल रिप्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट्स, वाई आई आई, ओके। तो ये आप जो है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हमने जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहा था
वाई आई जे इज इक्वल टू माइनस स्मॉल वाई आई जे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको आप जो है वो हम इंटरप्रेट करेंगे कैसे आगे, या नेक्स्ट इसमें स्लाइड बताऊंगा। नाउ कम टू द टू पॉइंट, अभी हमने एक और चेंज भी की हुई है अगर आपने ऑब्जर्व की है इक्वेशन के अंदर। ये हमारी बेसिक डेरिवेशन थी जहाँ पे पी और क्यू ये जस्ट, लेकिन जहाँ पे हमने आखिर में आके यहाँ पर इक्वेशन 6.2 लिखी है, तो इसमें हमने एक और एडिशन की है पी और क्यू स्केजुअल, ठीक है। दिस पी एंड क्यू स्केजुअल्स, पी स्केजुअल एंड क्यू स्केजुअल आर द नेट रियल एंड रिएक्टिव पावर एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट। नेट रियल एंड रिएक्टिव पावर क्या हो सकता है कि आपके पास पावर इन भी हो सकती है और पावर आउट भी हो सकती है, उसके साथ जनरेशन भी है और उस बस के साथ एक लोड भी कनेक्टेड है। सो इनका नेट डिफरेंस जो है वो कोई भी वो आपको बताएगा कि व्हाट इज पी स्केड्यूल एंड क्यू स्केड्यूल। फॉर बसेज वेयर रियल एंड रिएक्टिव पावर आर इंजेक्टेड, जहाँ पे आपके पास जनरेटर लगा हो उसका पी और क्यू जो है वो आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर जनरेटर पे लोड लगा हुआ है तो उस बसेस के लिए, ये लोड बसेस के लिए, उसको आप जो है वो नेगेटिव वैल्यूज इनकी लेंगे, मतलब पी की भी नेगेटिव वैल्यू और क्यू की भी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको सॉल्व करते हैं कि कैसे। अब ये वही इक्वेशन 6.27 है, इसको मैंने दो पार्ट्स में जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये मैंने लिख लिया कि पी इज इक्वल टू दिस और क्यू इज इक्वल टू दिस। तो P जो है दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस, ये वही इक्वेशन पूरी कंप्लीट इक्वेशन लिखी है देख, मल्टीप्लाई बाय ये वी आई स्टेरिक, ये आपके पास आ गया। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज माइनस जे क्यू इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो देन Q जो है वो माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो रिएक्टिव पावर होगी और रियल पावर पार्ट जो है वो दैट विल बी ए एक्टिव पावर। ये 6.29 और 6.30 इक्वेशंस बता रही हैं आपको। दी पावर फ्लो इक्वेशन नॉर्मली इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो वो जो मैंने अभी लास्ट आपको बताया था कि वाई आई जे कैपिटल में आप बात वो आ गए, जो हमने वाई बस बनाई थी उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ये जो इक्वेशन है देखें, अब हम आई पे हैं ना, तो ये आई था, ये देखें आई आईएथ बस पे 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी बस नंबर है उस पे जो सारी एडमिटेंसेज हैं उनका सम है, तो ये डायगनल एलिमेंट होता है वाई आई आई। और इसी तरह वाई आई 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 जे का सम होता है, इसको हम कहते हैं वाई आई आई, ठीक है। और ये आप डायगनल एलिमेंट्स हैं ऊपर, तो ये आप इन इक्वेशंस को 6.28 को आप 6.31 की फॉर्म में, मैं मुख्तलिफ फॉर्म्स बता रहा हूँ, जो जो चेंजेस हैं बता रहा हूँ, जब अभी हम जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ तो फिर देखेंगे कि क्या इनका होता है। ये आपके पास वही इक्वेशन जो वाई स्मॉल वाइज में लिखी हुई थी, अब हम उसको कैपिटल डायगनल एलिमेंट्स मतलब वाई डायगनल और ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द वाई बस जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन ये चेंजेस हैं तो ये आगे यूज होंगी। तो आपने स्मॉल वाई इज एन इम्पिडेंस ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच एडमिटेंस, ओके, जबकि कैपिटल वाई इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट दैट कनेक्ट्स द टू ब्रांचेस, और जब उसमें आई जे हो तो दैट कनेक्ट्स टू ब्रांचेस, और जब आई आई हो तो दैट मीन्स दैट इज दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द एडमिटेंसेज कनेक्टेड टू द बस नंबर आई। ये बेसिक आइडियाज हैं सम रिगार्डिंग द पावर फ्लो सॉल्यूशन। वोल्टेज एंड फेजेस आर नोन फॉर स्लैक बस, ये हमने देख लिया। टोटल इक्वेशन टू बी सॉल्वड आर 2 × n-1, ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे करते हैं। वोल्टेज मैग्नीट्यूड आर क्लोज टू 1 pu, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट लोड बसेज स्लाइटली लोअर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो है वो जनरेटर बसेज पे स्लाइटली हायर, एंगल एट लोड बसेज आर लोअर देन दैट ऑफ रेफरेंस। ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रहे, उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हम ये फर्स्ट जो एजम्पशन है फर्स्ट एस्टीमेट है वो कैसे करेंगे, तो अभी ये चीज़ें आप सीख रहे हैं, इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है।
एंगल एट जनरेटर वर्सेज एट हायर और नॉर्मली इनिशियल वोल्टेज एस्टीमेट विल बी 1 एंगल 0। इसको हम कहते हैं फ्लैट स्टार्ट। ये जो है ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे आपकी बेस आगे सारी जो है वो इस पे चलेगी। आपने इसी पे जो है वो नॉर्मली चलना है कि आपने लेट सपोज लोड बस पे आपने वोल्टेज निकाल ली 1.01। मेरी बात समझे, आइडियली क्या होनी चाहिए 1 एंगल 0। वोल्टेज किसी भी लोड बस पे आपने जो आपने वोल्टेज निकाल ली वो आपने निकाल ली 1.01, तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि नॉर्मली लोड इस पे वोल्टेज जो है वो ऐसी शेप की होगी 0.98 और जनरेटर बस है तो उसमें 1.01 1.02 ऐसी वोल्टेज आनी चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटेशन करते हैं और रिजल्ट लोड बस पे 1.01 आ जाता है तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए। ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई जाती कि आप बस फार्मूले लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ये मैंने मेरा जो बेसिक आइडिया होता है जब स्टूडेंट सीखे तो वो अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिजल्ट निकल आया जी बस दैट्स ऑल, नहीं, रिजल्ट को एनालाइज कर सके। ठीक है, तो आप जब ये पॉइंट्स जो है वो सारे ये बताते हैं कि हम जो है वो नॉर्मली जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड होता है वो लोड बसेस पे स्लाइटली लेस देन 1 PU होता है और जनरेटर बसेस पे स्लाइटली ग्रेटर देन 1 PU होता है, इसी तरह फेज एंगल भी। और जो लास्ट इसका पॉइंट है दैट वी कॉल इट ए फ्लैट स्टार्ट, ये फ्लैट स्टार्ट है आपके पास और इसको जो है वो हम कहते हैं कि क्या कहे फ्लैट स्टार्ट, तो दैट मीन्स कि वेयर मैग्नीट्यूड इज अननोन यू विल मेंशन इट 1 और वेयर एंगल इज अननोन यू विल मेंशन इट 0। ठीक होगी बात।